सही कहा है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत पहाड़ियाँ, चारों तरफ हरियाली, वादियाँ, मन को मदहोश करने वाली नदियाँ और झीलें पूरी दुनिया भर में मशहूर है। नमस्कार, मैं हूँ अनुजा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे सेगमेंट यात्रा और पर्यटन में, जिसमें हर दिन आप एक नए और बेहतरीन जगह के बारे में जानते हैं। और आज हम बात करेंगे खजियार झील के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में समुद्र तल से 1920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या आपको पता है कि दिल्ली से महज 508 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खजियार। दुनिया के 160 मिनी स्विट्जरलैंड में से एक माना जाता है। स्विस राजदूत ने यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर 7 जुलाई 1992 को खजियार को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया था। खजियार की खूबसूरती भी यूरोप के देश स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ का मौसम चीर और देवदार के ऊंचे लंबे हरे भरे पेड़, हरियाली और पहाड़ तथा आत्मिक शांति और मानसिक सुकून देने वाली वादियाँ आपको स्विट्जरलैंड का एहसास कराती है। ये पर्यटक स्थल छोटा भले ही है, लेकिन लोकप्रियता में बड़े बड़े हिल स्टेशनों में से कम नहीं है। हजारों साल पुराने इस छोटे से हिल स्टेशन को खासकर खजी नागा मंदिर के लिए जाना जाता था। यहाँ नागदेव की पूजा होती थी, लेकिन पर्यटक मुख्य रूप से इस हिल स्टेशन की आबो हवा का आनंद लेने के लिए आते हैं। खजियार का मौसम दिन भर तो सुहाना रहता है, लेकिन शाम ढलने पर यहाँ का मौसम कुछ इस कदर मनमोहक और रोमांचित करने वाला हो जाता है कि आप खुद को किसी और ही दुनिया में पाने लगते हैं। अगर आप बात करें खजियार झील की, तो खजियार का आकर्षण चीर एवं देवदार के वृक्ष थे ढके खजियार झील में है। झील के चारों ओर हरी भरी मुलायम और आकर्षक घास इस स्थान को सुंदरता प्रदान करती है। झील के बीच में टापू नुमा दो जगह है, जहां पहुंचकर पर्यटक और भी रोमांचित हो जाते हैं। वैसे तो खजियार में तरह तरह के रोमांचक खेलों का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन अगर आप गोल्फ के शौकीन हैं, तो आपके लिए यह हिल स्टेशन और भी बेहतर है। इसके चारों तरफ घिरे देवदार के पेड़ों की झील के नीले पानी में सुंदर, बहुत ही सुंदर परछाई दिखाई देती है। आगे बात करें इस स्थान की, सुंदरता ने राजपूतों और मुगलों सहित कई साम्राज्यों को बहुत प्रभावित किया था। 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित खजियार अपने 9 छेद वाले गोल्फ कोर्स के लिए भी जाना जाता है, जो हरियाली और लुभावनी परिदृश्य के बीच में स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे पंच पांडव वृक्ष आज भी मौजूद है। खजियार झील के आसपास के घने देवदार जंगलों के अंदर पंच पांडव वृक्ष देखने के लिए विशिष्ट स्थानों में से एक है। इस पेड़ में 6 टहनियां हैं और स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि यह पंच पांडवों और द्रौपदी का प्रतिनिधित्व करती है। पंच पांडव वृक्ष एक विश्राम गृह के पास स्थित है, जो दूर गांव की ओर है। झील से थोड़ी दूर पर 12वीं शताब्दी से संबंधित खजिज नाग का मंदिर है, जिसे चंबा के राजा पृथ्वी सिंह ने बनवाया था। मंदिर में एक स्वर्ण गुम्बद है, जिसके कारण इसे स्वर्ण देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के मंडप में कोई भी पांडवों और पराजित कौरवों की प्रतिनिधि को छत से लटकते हुए देख सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह को लकड़ी से उकेरा गया है। मंदिर सांपों के लिए समर्पित है, जो कि नागा पूजा और वहां कुछ सांप मूर्तियों के अंदर है। मंदिर में शिव और देवी हिडिम्बा की मूर्ति भी है। यहाँ की सबसे आकर्षण चीज तैरता हुआ टापू है, जो असल में झील की सतह पर उगने वाले घासों का गुच्छा है, जिसे देखना काफी अच्छा लगता है। खजियार जाने के बाद एहसास होगा कि आप सच में स्विट्जरलैंड में ही हैं। इसके अलावा मनोरंजन गतिविधियों की बात करें तो पैराग्लाइडिंग से लेकर घुड़सवारी तक कई तरह की एक्टिविटीज का आनंद आप यहाँ उठा सकते हैं। खजियार में ठहरने के लिए डाक बंगले और रेस्ट हाउस भी है। यहाँ पर कोई भी ठहर सकता है। इस झील की खूबसूरती देखते ही बनती है, रात का नजारा बेहद खास होता है। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी आज की यात्रा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए स्टोरी, एक नए पर्यटक स्थल को लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही रोमांचक जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।